अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद आप लोग ठीक होंगे। आज के वीडियो में हम 110% ओरिजिनल टॉमसन का ब्रेकर कौन सा है और कॉपीज कौन सी हैं उसके बारे में देखेंगे। ये इस वक्त मेरे सामने दो पड़े हुए प्रोटेक्टर जिसके ऊपर जो कि टॉमसन के दोनों हैं। अब इसमें से ओरिजिनल कौन सा है और कॉपी कौन सी है, अगर मैं वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करूँ, आप ये देखें, एक ये ब्रेकर है, ये दोनों कॉपी। अब इस राइट साइड वाले पे टॉमसन लिखा हुआ है, इसके ऊपर टॉमसन नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम चेक करते हैं। आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि इनमें से ओरिजिनल कौन सा है और कॉपी कौन सी है, और मार्केट में आपने देखते वक्त कौन सा ख्याल रखना है। अच्छा, इनिशियली में मैं बता दूं आपको, ये जो ये वाला ब्रेकर है, ये वाला जो इस वक्त ये राइट साइड वाला जो है ये कॉपी है और लेफ्ट वाला एक नंबर है। अब इनकी पैकिंग में देखें क्या फर्क है। ओरिजिनल वाले के ऊपर यहाँ पे कोई चीज नहीं लिखी हुई, और दो नंबर जो ब्रेकर है उसके यहाँ पे टॉमसन इलेक्ट्रिक कंपनी लिखी हुई है। ये जो दो नंबर ब्रेकर है उसके डब्बे के ऊपर भी टॉमसन लिखा हुआ, जबकि ओरिजिनल के ऊपर टॉमसन नहीं लिखा हुआ। मैं आपको इनकी वेबसाइट पे भी लेके जाऊंगा, अली एक्सप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी, और एक और वेबसाइट है टॉमसन की, उस पर भी लेके जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा ओरिजिनल और फेक जो है वो किस तरह पहचान कर सके। ये ओरिजिनल वाला है और ये जो है ये दो नंबर है, ये कॉपी है उसकी। अब इसके अंदर भी इन्हें खोल के देखते हैं कि अंदर से कैसे पता चलेगा। दोनों को कंपेयर करके मैं आपको दिखाता हूं। ये दोनों को जरा निकालने दें और फिर आपको कंपैरिजन दिखाता हूं कि इनमें से ओरिजिनल कौन सा है, की निशानी क्या है और कॉपी की निशानी क्या है। अब जनाब ये जो ओरिजिनल वाला है इसके ऊपर देखें, यहाँ पे इन लिखा हुआ ब्लैक कलर की इंक के साथ ओरिजिनल वाले पे, जबकि जो कॉपी है उसके ऊपर सिर्फ पंच हुआ हुआ है, उसके ऊपर ब्लैक इंक से नहीं लिखा हुआ, पंच हुआ है। ओरिजिनल वाले पे ब्लैक कलर की इंक से इन और आउट लिखा हुआ है, जबकि कॉपी के ऊपर इन और आउट ब्लैक कलर की इंक से नहीं लिखा हुआ, लेजर प्रिंटर से नहीं लिखा हुआ, जस्ट पंच हुआ हुआ ऊपर। एक चीज ये ख्याल रखनी है आपने। दूसरे नंबर पे टॉमसन का लोगो यहाँ पे सेंटर में है, जबकि कॉपी में जो टॉमसन का लोगो है वो नीचे है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों की क्वालिटी में भी देख सकते हैं कितना फर्क है। दोनों की क्वालिटी भी जो वो प्रिंटिंग क्वालिटी जो टॉमसन की है उसमें भी फर्क है। अब तीसरे नंबर पे टॉमसन के ओरिजिनल ब्रेकर पे कोई चीज नहीं लिखी हुई यहाँ पे, जबकि यहाँ पे प्रिंट हुआ हुआ है टॉमसन, पंच हुआ हुआ है। आप देखें कॉपी के ऊपर पंच हुआ हुआ है, दोनों साइडों पे टॉमसन पंच हुआ हुआ है, ये कॉपी है उसकी, और ओरिजिनल के ऊपर कोई चीज नहीं लिखी हुई, कोई चीज पंच नहीं है किसी किस्म की। चौथे नंबर पे ये ओरिजिनल वाला है और ये दो नंबर है, ये ओरिजिनल है और ये। अब इनकी इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो है, यूजर गाइड देखते हैं, ये ओरिजिनल वाले टॉमसन की है और ये जो कॉपी है दो नंबर है उसका। ओरिजिनल वाले टॉमसन का इंस्ट्रक्शन मैनुअल सारे का सारा ब्लैक एंड व्हाइट है, ब्लैक कलर में प्रिंट हुआ, जबकि कॉपी वाला जो है दो नंबर जो टॉमसन है वो उन्होंने कलर प्रिंट किया हुआ है। ये वाला कलर प्रिंट जो हुआ हुआ है ये दो नंबर टॉमसन है। अब ये देखें ओरिजिनल वाले टॉमसन में इंस्ट्रक्शन मैनुअल सारा उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट किया हुआ है, कोई कलर इस्तेमाल नहीं किया गया किसी किस्म का भी, जबकि जो कॉपी है दो नंबर टॉमसन है उसके ऊपर उन्होंने ये बड़ा उसे कलरफुल किया हुआ है, ताकि खरीदने वाले को यकीन आ जाए जनाब यही असली है। वैसे देखने में तो ये लगता है कि जी ये जो कलर वाला है और जिसके डब्बे पे भी लिखा हुआ है और जिसकी बॉडी पे भी प्रिंट हुआ हुआ यही असली है, लेकिन ये दो नंबर कॉपी है, ओरिजिनल टॉमसन नहीं है। अब मैं आप लोगों को इनकी वेबसाइट पे जाके इनकी पिक्चर दिखाता हूँ। अच्छा, इनके वजन में भी बहुत फर्क है, ओरिजिनल वाला जो है वो वजनी है और जो दो नंबर टॉमसन है वो हल्का है। अब इनकी वेबसाइट पे अगर मैं आपको जाके दिखाऊं जनाब, यहाँ पे ये देखें, ये टॉमसन का ऑफिशियल स्टोर है, ये ऑफिशियल स्टोर लिखा हुआ है यहाँ पे। इस ऑफिशियल स्टोर अली एक्सप्रेस का टॉमसन का ऑफिशियल स्टोर है ये वाला। अच्छा, अब यहाँ पे देखें टॉमसन ऑफिशियल स्टोर आईडी वगैरह लिखा है एंड सो ऑन। ये 2010 से ये स्टोर उन्होंने ओपन किया हुआ है और 40,000 इसके फॉलोअर हैं। लास्ट 6 महीनों में इन्होंने 70,000 से ज्यादा आइटम सेल किए हैं अली एक्सप्रेस पे, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लिखा हुआ है
70,000 से ज्यादा इन्होंने आखिरी 6 महीने में आइटम सेल की हैं, और इनके 8,000 रेगुलर कस्टमर्स हैं, बायर्स हैं। 15 साल पुराना स्टोर है अली एक्सप्रेस पे। अब इन्होंने जो टॉमसन यहाँ पे सेल करने के लिए दिया हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे नीचे मैंने यहाँ पे अलहदा से ओपन किया, ये देखें, ये ओरिजिनल वाला। अब इसकी साइड पे देखिएगा, मैं आपको साइड इसकी दिखाता हूँ। ये देखें, इसकी साइड पे कोई चीज प्रिंट नहीं है, ठीक है। इसका लोगो यहाँ पे दोनों जो डिजिटल मीटर है उसके सेंटर में है, वोल्ट और एम्पेयर मीटर जो है उसके सेंटर में है, ठीक है जी। इसके साइड पे कोई चीज प्रिंट नहीं है, कोई इम्बोज नहीं है, ठीक हो गया। जबकि जो मैंने आपको 2 नंबर वाला दिखाया था, मैं आपको दिखाता हूं, उसके ये ओरिजिनल वाला है जिसके सेंटर में प्रिंट है, ये फेक है। इसकी देखें क्वालिटी भी देखें कैसी है, प्रिंटिंग क्वालिटी इसके यहां पे है, प्लस इसके साइडों पे ये टॉमसन प्रिंट हुआ हुआ, ये 2 नंबर का पीस। सो आप लोग लेते वक्त एहतियात करें। इसके अलावा एक और वेबसाइट है thomson.pk के नाम से, उसके ऊपर भी जी, उसके ऊपर पे उस पर भी जो एडजस्टेबल अवर अंडर वोल्टेज प्रोटेक्टर की पिक्चर लगी हुई है, देखें ये सेंटर में उसके लोगो है, इसके साइड पे कोई चीज प्रिंट नहीं है। आपको अगर मैं बड़ा करके दिखाऊं, बड़ा हो जाइए तो ये देखें, साइड पे कोई चीज प्रिंट नहीं है किसी किस्म की, और इसके सेंटर में लोगो है, और ये ब्लैक कलर की इंक से प्रिंट हुआ हुआ है। तो इनके अली एक्सप्रेस के ऑफिशियल स्टोर पर भी, और एक और वेबसाइट जो है thomson.pk, वहां पे भी ये ओरिजिनल मौजूद है। सो ये आप लोग देते वक्त बहुत एहतियात करें, क्योंकि दुकानदार जो है वो इन्हीं चीजों से फंसा लेते हैं खरीदने वाले को। जी देखें, इसके ऊपर पंच हुआ हुआ है, और इसका ब्रोशर भी देखें कलर है, इसके डब्बे पे भी प्रिंट हुआ हुआ है टॉमसन एंड सो ऑन, तो वो 2 नंबर कॉपी है। आपने यही 3-4 चीजें देख के लेना है, एक ब्लैक कलर का लिखा हो, दूसरे नंबर पे उसके ब्रेकर पे कोई चीज पंच नहीं होती, तीसरे नंबर पे लोगो उसका सेंटर में है, चौथे नंबर पे उसका जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है वो सारा ब्लैक एंड व्हाइट है। तो उम्मीद है आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस चीज का पता चले। थैंक यू वेरी मच।